हादसों का संडे। जी हाँ, आज प्रदेश में कई जगह हादसे हुए जिसमें कई लोगों की जान चली गई, कई घरों के चिराग बुझ गए तो कई घरों के सहारे लुट गए। जी हाँ, इन हादसों की वजह तेज रफ्तार भी है, नियमों का इनकार भी, तो कोहरे की मार भी है। रविवार जहां लोगों के लिए छुट्टी का दिन था, खुशी का दिन था, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये संडे गम लेकर आया, और ऐसे गम जिसे वो जिंदगी भर नहीं भुला सकेंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर तीन तस्वीरें हैं जिनकी वजह कहीं रफ्तार है तो कहीं नियमों का उल्लंघन तो कहीं कोहरे का कहर। फतेहपुर में 6 लोगों की मौत जबकि 45 लोग घायल हैं। बरेली में 5 लोगों की जान चली गई और गोंडा में एक साथ करीब 18 गाड़ियां आपस में टकरा गई जिसमें 6 लोग घायल हो गए। फतेहपुर में हादसा उस वक्त हुआ जब प्रयागराज जा रही श्रद्धालुओं से भरी एक बस सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे के दौरान एक कार भी ट्रक की चपेट में आ गई। बस अजमेर से प्रयागराज कुंभ जा रही थी, तभी गलत दिशा से आ रहे ट्रक का टायर फट गया और वो बस से टकरा गया। इस बीच कार भी इस हादसे की चपेट में आ गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 45 लोग घायल हो गए। वहीं बरेली में 2 कार की आमने सामने की टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि बहेड़ी के रहने वाले कार सवार उत्तराखंड के किच्छा से लौट रहे थे, तभी सेमरा रोड पर अचानक एक राहगीर आ गया। उसे बचाने के चक्कर में उनकी कार एक दूसरी कार से टकरा गई। इसमें राहगीर समेत 5 लोगों की मौत हो गई। राहगीर की शिनाख्त नहीं हो पाई, बाकी 4 मृतक बहेड़ी के रहने वाले थे। अब बात गोंडा की, जहाँ घने कोहरे के चलते हाईवे पर 1.5 दर्जन गाड़ियां एक ही जगह पर टकरा गई। हादसे में 6 लोग घायल हो गए जिन्हें अयोध्या के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद हाईवे पर घंटों लंबा जाम लगा रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद रास्ते से गाड़ियों को हटवाकर जाम खुलवाया। तेज रफ्तार, नियमों की अनदेखी और कोहरे की कहर ने कई जिंदगियां छीन ली। आने वाले वक्त में कोहरा और घना होने वाला है, ऐसे में जी मीडिया आपसे अपील करता है कि गाड़ी चलाते वक्त रफ्तार को कंट्रोल में रखें और नियमों का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।